हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मम्मीज ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लच्छा मछली बनाएंगे। तो ये लच्छा मछली बहुत इजीली बन जाती है और बहुत टेस्टी भी होती है। तो आप देखिए, मैंने एक बाउल मैदा लिया है और इसके अंदर मैं करीब 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया और ये अजवाइन डाल रही हूँ। करीब आधा चम्मच के करीब अजवाइन डाली और ये काली मिर्च भी डाल रही हूँ थोड़ी। और ये नमक डाल रही हूँ। अब इन सबको मिला के अभी हम एक डो बनाएंगे, सॉफ्ट वाला डो बनाएंगे। नॉर्मल पानी लिया है मैंने, इसको मिक्स कर देंगे पहले अच्छी तरह से। देसी घी को, मोहन को इसमें मिक्स कर देंगे और सॉफ्ट डो बनाना है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं और ज़्यादा ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, ठीक ठीक सा बनाना है। तो अभी मैं बना रही हूँ। अगर घी कम लगे आपको तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि हमको ये मुट्ठी बांध के देखना पड़ेगा। मुट्ठी अगर बंद जाती है तब तो अपना मोइन ठीक है। तो आप देखिए, ये बन गई ये इस तरह से, तो इसका मतलब ठीक है, मोइन हमने ठीक से डाल दी। और अब ये नॉर्मल पानी डालेंगे और मैं अभी आटा गूंथ के बताती हूँ। तो ये आटा हमने गूंथ लिया है और इसे अब हम 10 मिनट के लिए ढक के इस तरह से रख देंगे। तो ये 10 मिनट हो गए फ्रेंड्स, ये आटा हमारा सेट हो गया है। इसे अब हम थोड़ा सा और गूंद लेंगे इस तरह से, इसे प्रेशर लगा के थोड़ा गूंद लेंगे और इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। ये लच्छा मटरी बहुत ही अच्छी बनेगी, आप खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा फ्रेंड्स। और एक एक पार्ट को मैं इस तरह से अलग से बेल लेती हूँ और इसको इसमें रख देते हैं। इसे मैंने रेक्टेंगल शेप में बेल लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसकी हम पतली पतली स्ट्राइप्स इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से पतली पतली स्ट्राइप्स कट करेंगे और मैं अभी आपको सब करके बताती हूँ। ये सारी स्ट्राइप्स कट कर लिए, अब हम ये इधर वाली छोटी स्ट्राइप्स को अलग हटाएंगे और इनके साथ जोड़ेंगे। इस साइड की छोटी स्ट्राइप के साथ जोड़ेंगे और इधर की मैं ये चार पाँच स्ट्राइप्स हटा सकते हैं कोई भी। तो इसको मैं, आप देखिए, अपोजिट साइड में टर्न करूँगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अपोजिट साइड में, बिल्कुल जैसे टॉफ़ी होती है ना उस तरीके से अपोजिट साइड में टर्न कर लिया मैंने। अब इसे ये गोल सी इस तरह से शेप देंगे, जैसे लच्छा पराठा को देते हैं हमको, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपको पास से दिखाती हूँ और इसे इस तरह से टर्न कर देंगे और इस तरह से बंद कर देंगे और इसे प्लेट में रख देंगे। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये मैंने 3 स्ट्राइप ली है, आप देख सकते हैं। और इसे मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करूँगी
आप देखिए इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में। ये आप देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर दिया और फिर इसे इस तरह से गोल गोल जैसे लच्छा पराठा जैसे इस तरह से घुमाएंगे और इसे नीचे से इस तरह से घुमा के बंद कर देंगे। तो इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप पास से देख सकते हैं इस तरह से मैंने बना दिए। तो ये फूल जैसे बन जाती है, तो लच्छा मटरी ये बहुत मस्त बनेगी। अब मैं इसे आपको फिर एक बार दिखाती हूँ। ये फिर मैंने तीन स्ट्राइप अलग ली और फिर इसे अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करा इस तरीके से। ये देखिए मैं इसी के ऊपर स्लैब के ऊपर ही करके बता रही हूँ आपको। आप देख सकते हैं एकदम अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करा मैंने और इसे इस तरह से घुमाया, गोल 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 घुमाते रहे इस तरह के और इसे फिर नीचे से बंद कर दिया, ऐसे चिपका दिया। बस ये इस तरह से लच्छा मटरी बन गई और इसे अब हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड देखिए पहले गैस मैंने तेज कर दी और फिर धीरे कर दी और धीरे करके हम ये लच्छा मटरी इसमें डालेंगे। एकदम धीरे गैस है, एकदम सिम है, अभी सिम कर दी है, एकदम धीरे धीरे होती है ये, तभी क्रिस्पी बनेगी। ये सारी मछली डाल दी और अभी इसे हिलाना नहीं है, बहुत धीरे है, एकदम सिम पे है। आप देख सकते हैं गैस एकदम सिम पे है। अब इसे थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे, बस जरा सा हल्का सा हल्के हाथ से करना है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये लच्छा मटरी और धीरे धीरे ये अभी खुल जाएंगे, एकदम फ्लावर जैसे हो जाएगी। तब तक हम दूसरी मटरी तैयार कर लेते हैं। ये धीरे गैस पे होती है फिल्म। तो देखिए फ्रेंड्स ये एक एक मछली को हम इस तरह से उलटते जाएंगे। लाइट ब्राउन होने लग गई है, थोड़ी मीडियम गैस कर दी थी मैंने अभी एक मिनट के लिए और अब वापस लो फ्लेम कर दी है और इसे इस तरह से पलटते जाएंगे। ये अपने आप इसके लच्छे खुलते जाएंगे तो ये फ्लावर जैसे दिखेगी और बहुत खस्ता है, एकदम बिस्किट जैसा इसका टेक्सचर होगा। और अभी दो मिनट के लिए और फ्राई होगा। तो ये मटरी हमारी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं एकदम धीरे आंच में मैंने धीरे गैस पे इसको फ्राई करा है तो बहुत ही खस्ता बनेगी, आपको खस्ता टेस्ट में लगेगी, एकदम बिस्किट जैसे लगेगी। लच्छा मटरी बहुत ही मस्त बनी है, इसे एक एक करके बार बार मैंने तीन चार बार पलट दिया है, उससे ये खस्तापन आएगा इसमें बार बार पलटने से। और ये इस तरह से देखिए कितनी सुंदर लग, ये टिश्यू पेपर पे इस तरह से निकाल लेती हूँ। ये आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं दूसरी फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये लच्छा मछली कितनी मस्त बनी है। अब ये मछली आप इसी तरह से बनाएंगे तो बहुत इसी तरह से फ्लावर शेप में बहुत मस्त बनेगी फ्रेंड्स। और एक ये यूनिक रेसिपी है, सबको पसंद आएगी और लुक वाइज तो अच्छी है ये, लेकिन टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी है।
और त्यौहार पे लच्छा मटरी सबको पसंद आएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये लच्छा मटरी इस त्यौहार पे बनाइए, खाइए और खिलाइए, सबको पसंद आएगी। और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कैसी बनी और कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।